ZXI Plus का टॉप एंड मॉडल का अलॉय व्हील, ये भी मैंने कंपनी से ही लगवाया है। एक रिक्वेस्ट है यार आप सबसे कि यार वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल को काला कर दीजिए। हेलो गाइज, मेरा नाम है राहुल, ये है मेरी ब्रेजा 2022 VXI मॉडल। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है एक्सेसरीज के ऊपर, कि मैंने अपनी ब्रेजा के अंदर क्या क्या एक्सेसरीज इंस्टॉल करवाई हैं, कंपनी से इंस्टॉल कराई हैं, कुछ मैंने आफ्टर मार्केट भी कराई हैं, तो उनके प्राइस के बारे में पता करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी में। मेरी जो पहली एक्सेसरीज मैंने इंस्टॉल कराई थी वो थी ये जो नोज पे आ रखे हैं, ये जो प्लास्टिक पार्ट है ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है, कंपनी से ही फिट कराया था मैंने। इसकी कॉस्ट जो मुझे पड़ी थी 460 के आसपास पड़ी थी। तो अगर आप ये देख रहे हैं जो पूरा जो सिल्वर स्ट्रिप है ये, तो इसे कहते हैं फ्रंट बम्पर एक्सटेंडर। इसका जो प्राइस है ये 1190 का है, ये भी मैंने कंपनी से ही लगवाया था। और अगर आप साथ में इसके यहाँ भी आएंगे, इसके नीचे भी मैंने एक चीज़ लगवा रखी है, ये देखेंगे आप ध्यान से यहाँ पे, ये जो कहते हैं इसे कहते हैं फ्रंट बॉडी अंडर स्पॉइलर, मे बी शायद नाम गलत हो सकता है इसका। इसका जो प्राइस है वो है 1390, इसको कहते हैं फ्रंट बॉडी अंडर स्पॉइलर। तो मैंने फ्रंट में तीन चीज़ें कराई हैं, ये जो फर्स्ट जो आपके नोज पे दिख रहा है इसे कहते हैं फ्रंट गार्निश, इसका जो प्राइस है 460। ये जो आपको सिल्वर स्ट्रिप दिख रही है पूरी, इसे कहते हैं फ्रंट बम्पर एक्सटेंडर, इसका जो प्राइस है वो है 1190। और जो तीसरी चीज़ है इसे कहते हैं फ्रंट बॉडी अंडर स्पॉइलर, इसका जो प्राइस है वो है 1300। तो बात करते हैं अपने साइड प्रोफाइल की, कि जो हमारी ब्रेजा का साइड प्रोफाइल है इसमें मैंने क्या क्या एक्सेसरीज लगवाई हैं। अगर बात करें हम, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक एंड सिल्वर वाला पार्ट, इसे कहते हैं व्हील आर्च ब्लैक एंड सिल्वर। ये माउंटेन का लोगो है, इसका मतलब ये ओरिजिनल है, कंपनी से ही फिट करा है। इसका जो प्राइस है वो है 2390। साथ ही साथ अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे, ये है हमारा ZXI Plus का टॉप एंड मॉडल का अलॉय व्हील, ये भी मैंने कंपनी से ही लगवाया है। इसकी जो टोटल कॉस्ट है मुझे कंपनी से फिटिंग के साथ वो 44,000 की, यानी कि 44,000 रुपये की पड़ी है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो साइड स्लाइडिंग है, अब शायद मैं नाम में गलत हो सकता हूँ, इसका जो प्राइस है वो भी 2390 पीछे तक जा रहा है, ये दोनों तरफ लगा हुआ है, इन दोनों का प्राइस है 2390। और अगर इसकी बात करें, ये जो है ये सिल्वर प्लेट दिख रही है आपको यहाँ पे, इसका जो प्राइस है ये है 2250। और अगर हम नीचे की बात करें, मैंने नीचे भी इसमें एक और चीज़ लगा रखी है, इसे कहते हैं साइड स्किड प्लेट, इसका जो प्राइस है दोनों तरफ का मिला के, लेफ्ट और राइट का मिला के, वो है 2750। बाय द वे, जो ये वाली स्लाइडिंग है और ये वाला जो यहाँ पे प्लेट है और ये दोनों तरफ मिला के लेफ्ट और राइट के प्राइस है। तो चलते हैं डोर की तरफ। ये जो आप डोर पे ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं ये है रेन वाइजर, मैंने ये कंपनी से ही लगवाया है। इसका जो प्राइस है वो मुझे पड़ा है 1550। साथ ही साथ मैंने इसमें एक और चीज़ इंस्टॉल कराई है, जो आप क्रोम देख रहे हैं विंडो पे, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है दोनों साइड का लेफ्ट और राइट, इसे कहते हैं विंडो फ्रेम किट, इसका जो प्राइस है वो है 2190। तो चलते हैं अपने गाड़ी के रेयर प्रोफाइल की तरफ, कि मैंने रेयर प्रोफाइल में क्या क्या एक्सेसरीज को इंस्टॉल करा है। आप सबसे पहले जो स्पॉइलर है, स्पॉइलर में आप देखेंगे यहाँ पे ये जो दोनों चीज़ें हैं ये भी मैंने कंपनी से ही फिट कराया है। इनका जो प्राइस है मे बी शायद 260 के आसपास होगा। और अगर आप ऊपर की बात करेंगे, ये है शार्क फिन एंटीना, ये बेस मॉडल से ही आता है, तो ये मैंने नहीं लगाया, ये कंपनी बेस मॉडल से ही लगा के देती है। बात करें अगर ये जो आपको ब्लैक स्ट्रिप दिख रही है, इसे कहते हैं मिड रेयर गार्निश या फिर रेयर मिड गार्निश, इसका जो प्राइस है ये मुझे पड़ा है 690 का। और अगर साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये आपका फिर से आ गया बॉडी एक्सटेंडर, तो इसका जो प्राइस है वो है 1190 का। और ये जो आपका स्किड प्लेट है, रेयर स्किड प्लेट, इसका जो प्राइस है वो है 1390, ये है 1150 का। और अगर साथ ही साथ अगर हम पास आएंगे थोड़ा सा कैमरे को लेके, तो अगर बात करें हम, ये कैमरा ये भी मैंने बाद में इंस्टॉल कराया कंपनी से ही, इसे कहते हैं रेयर पार्किंग कैमरा। ये जो मुझे कॉस्ट पड़ी है, इसकी जो कॉस्ट है वो है 4990, अप्रॉक्सीमेटली 5000 की मुझे पड़ा है। चलो इसका एक बार बूट स्पेस में देख लें कि मैंने बूट स्पेस में क्या क्या कराया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये जो पार्सल ट्रे है ये भी मैंने कंपनी से ही लगवाई है, इसका जो प्राइस है वो 1500 है। और ये जो 3D डिग्गी मैट है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 3D डिग्गी मैट है, इसका भी कॉस्ट 1500 है, ये भी मैंने कंपनी से ही लगवाई है। तो चलो अब गाड़ी के इंटीरियर में देखते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या एक्सेसरीज लगी है। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर में, कि गाड़ी के अंदर क्या क्या एक्सेसरीज लगवाई हैं हमने। गेट अपना ओपन किया, आप ध्यान से देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ब्रेजा की बैचिंग दिखेगी, ये होता है स्कफ प्लेट, इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट, ये चारों डोर पे लगाया मैंने। इसका जो प्राइस है कंपनी से ही लगवाया है। और ये है देखो, चमकता है वैसे, बाय द वे ये व्हाइट लाइट में चमकता है। इसका जो प्राइस है वो है 3500। और अगर आप यहाँ पे मैट देख रहे होंगे, ये है मेरा लेजर फिटेड मैट। और अगर ब्रांड की बात करें, तो ये है GFI का ब्रांड, GFI, इसका जो प्राइस है मुझे पूरी गाड़ी में ये पड़ा है मुझे 2880 का।
साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, जो आपका स्टीयरिंग व्हील है, ये भी मैंने रैप कराया है, ये भी मैंने बाहर से रैप कराया है। इसका जो कॉस्ट है ये मुझे पड़ा है 1200 रुपये का। आते हैं अपने हैंडरेस्ट की तरफ, ये भी मैंने बाहर से लगवाया है, इसका जो कॉस्ट है वो मुझे पड़ा है 4400 का। लेकिन इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, एकदम जेन्युइन है ये, अच्छे से ओपन भी होता है, तो बहुत अच्छा काम करता है ये। बाकी ये जो मेरा VXI मॉडल है, कंपनी इसमें सिस्टम तो देती है, स्पीकर्स भी देती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC भी देती है, तो मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मैंने नहीं लगाई, ये कंपनी से ही फिट आया है। तो ये थी हमारी गाड़ी में जो जो हमने एक्सेसरीज इंस्टॉल करी हैं, प्राइस मैंने आपको बता दी है, आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने कितना खर्चा कर दिया अपनी एक्सेसरीज के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ब्रेज़ा से रिगार्डिंग या किसी भी कार से रिगार्डिंग या किसी भी एक्सेसरीज का रेट आपको पूछना है, समझनी है, कुछ भी पूछना है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट में रिप्लाई करता हूँ। एक रिक्वेस्ट है यार आप सबसे कि वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल को काला कर दीजिए।